नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज मारवाड़ी और मैं जोधपुर राजस्थान से। दोस्तों, रैपिडो कैप्टन में 70% कैप्टन को पता नहीं होता कि राइड कैसे कैंसिल होती है और उसका एडजस्टमेंट मिलता है। जो जो बिल होता है ना, जो अपने को जहाँ जाते हैं वहाँ किलोमीटर के हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन काफ़ी कैप्टन को नॉलेज ही नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, कैप्टन को काफ़ी लॉस होता है। तो कैप्टन, हर कैप्टन को मैं कहता हूँ, वीडियो स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। और मैं ये, जैसे कि मैं एक कस्टमर के लाइव लोकेशन गया, लाइव लोकेशन करके दिखा रहा हूँ, लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल के दिखा रहा हूँ। तो मैं कस्टम क्या हुआ कि मैं कस्टमर की लोकेशन पे गया, तो इसमें 6 इशू होते हैं, मतलब 6 हमारी प्रॉब्लम होती है। पहला होता है कि भाई रिच टू कस्टमर, यानी कस्टमर आया नहीं लोकेशन पे। दूसरा है भाई कि बाइक इशू है, फोन इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस है, हावी टॉपिक एरिया है, मतलब वहाँ टॉपिक ज़्यादा भीड़ है, उसमें अपन लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, तो उसमें हम बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। और जो कस्टमर की हम लोकेशन पे जाते हैं, तो वो बुकिंग हम कैसे कैंसिल करें और उसका एडजस्टमेंट कैसे लें। जो हमें एडजस्टमेंट मिलता है, जो जाने का हमें कैंसिल, भले 100 मीटर ही क्यों ना हो, 100 मीटर गए हैं तो ही आपको कैंसिल चार्ज मिलेगा। वीडियो स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। तो क्या होता है कि मैं लाइव लोकेशन पे गया, तो मैं वीडियो स्क्रीन डाल रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो मैं भाई साहब कस्टमर की लोकेशन पे गया, सबसे पहले मैंने किया अराइव। अराइव करके भाई 1-2 मिनट 5 मिनट जब मैंने वेट कर लिया, नहीं आया, बंदे को कॉल किया, तो मैंने पहला वाला ऑप्शन दबाया कि भाई कस्टमर नहीं आ रहा है, हाउ टू रीच टू कस्टमर। तो वो मैंने कॉल लगाया, तो मेरे पास कंपनी से वापस कॉल आता, वो अटेंड किया, मतलब कॉल उसने, कस्टमर ने अटेंड नहीं किया। 60 सेकेंड के बाद में राइड कैंसिल का ऑप्शन आ जाता है। तो 1 मिनट लगता है, 1 मिनट के बाद में आपकी राइड कैंसिल हो जाती है। उसमें क्या होता है कि 1 मिनट के बाद में राइड कैंसिल हो जाती है, वो हमें करनी पड़ती है। एक तो गो बैक करने, वो उसमें वापस चले जाते हैं, और गो बैक अगर कस्टमर आ जाता है, ओटीपी पिन नंबर डाल के हम चले जाते हैं, अगर वो नहीं आता है तो गो बैक कर दिया, अगर वो नहीं आता है तो राइड कैंसिल का ऑप्शन आता है, तो राइड कैंसिल पे क्लिक करना, हाँ यस, तो कैंसिल हो गई वो राइड। अगर कैंसिल होगी ना, वो कस्टमर की तरफ से गिनी जाएगी, हमारी तरफ से नहीं गिनी जाएगी कि भाई हमने की है, ये कैप्टन ने नहीं की, वो कस्टमर ने की है। तो कहीं भी जाओ, लोकेशन पे जाना है आपको, सबसे पहले अराइव करना है, अराइव उससे करोगे तो आपको 8 रुपये कैंसलेट चार्ज मिलेगा। कस्टमर सपोर्ट में कॉल करोगे, बोलोगे कि सर मैंने अराइव करने के बाद में राइड कैंसिल हो गई है, कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी है, तो आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा 8 रुपये। तो ऐसे करके आप, काफ़ी कैप्टन होते हैं अराइव कर देते हैं, फिर भी उनको ध्यान नहीं होता कि भाई हमें एडजस्टमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप हर कैप्टन, मतलब अराइव करोगे और वेट करोगे, नहीं आता तो भाई कैंसिल कर दी राइड। और आप जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में डाल के क्या भाई लंबा रूट है, तो वहाँ डाला क्लिक, कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिक राइड। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो।